जेजेपी ने हिसार लोकसभा क्षेत्र से अंतर्गत आने वाली हांसी विधानसभा में चुनावी कार्यालय खोला है। इसी खास मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम और हिसार से जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला मौजूद रही। आपको बताएं कि दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान ये कहा कि हिसार की जनता आपके बार जेजेपी पर पहली बार हिसार से किसी महिला को संसद में भेजने का काम करेगी, तो जनता पर उन्होंने विश्वास जताया है। इसके साथ ही इनेलो से गठबंधन के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इनेलो से कोई गठबंधन नहीं होगा। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने रणजीत सिंह चौटाला के बयान पर भी पलटवार किया। हांसी का आगे का चुनाव संभालने की जिम्मेवारी भी संभाली है और मैं मानता हूँ कि जो 36% वोट मेरे को 2014 में मिले थे, हमारा टारगेट है कि उसको भी बढ़ाने का सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करें और एक नया इतिहास हांसी की धरा पर रचने का। और आने वाले समय में हांसी लोकसभा के जीत के मार्जिन में एक अहम भूमिका निभाने का काम करे। कैंडिडेट घोषित हुए और असली चुनाव तो नामांकन के बाद चले, मगर मैं मानता हूँ हिसार में अच्छा त्रिकोणीय मुकाबला होगा और मजबूती के साथ कार्यकर्ता इस गढ़ को जीतने का काम। चुनाव शुरू हुआ है, आप आज के उनके बयान से मत पूछो, 10 दिन बाद पूछ ले। और जैसे जैसे त्रिकोणीय मुकाबला बढ़ेगा, हिसार अपनी पहली महिला सांसद को चुनने का निर्णय करेगा। उसका कई बार जिक्र भी मेरे संज्ञान में आया है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ उनकी नई शुरुआत। आज एक कहावत है, मैंने ना किसी व्यक्ति के लिए कहा कि ठोड़ पे पड़ा पत्थर भारी होता है, और कार्यकर्ता से मजबूत कोई नहीं होता। कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे तो अच्छे परिवर्तन में अपनी हिस्सेदारी।